या परिवार की तरफ से सब देशवासियों को पहले नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और हम आपको बता दें, आज हम आपको पूरी जो तस्वीरें हैं पहले नवरात्र से दिखाना शुरू करेंगे। और इस समय हम कटरा के तारा कोट मार्ग में खड़े हैं और हम आपको पूरी रिपोर्टिंग बताएंगे यहाँ कटरा से लेके वैष्णो देवी माँ के दरबार तक कि किस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा फूलों की सजावट पूरे दरबार में की गई है। देशी विदेशी फूलों की जो सजावट है वो माता रानी के दरबार में की गई है। तो ये रिपोर्ट हमारी ज़रूर देखिए, ये खास रिपोर्ट पहले नवरात्रे में माँ वैष्णो देवी के दरबार से लाइव। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम भवन पर जाकर आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे, तो इस समय जेके मीडिया की टीम आ पहुंची है माँ वैष्णो देवी के दरबार और ये सीधी तस्वीरें आपको दरबार से दिखा रहे हैं। और सजावट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माता रानी के दरबार में जो सजावट है वो देखने को मिल रही है और किस तरीके से रंग बिरंगे फूल देशी विदेशी फूलों से माता रानी का जो दरबार है वो पूरा सजाया गया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो माता के नौ रूपों को भी दर्शाया गया है, जैसे ये आप ठीक स्क्रीन पर जय माँ सगंत माता की ये तस्वीर देख रहे हैं। और अगर हम बात करें जय माँ कुशनांडा की तस्वीर देख रहे हैं। और अगर हम बात करें जय माँ चंद्रघंटा की तस्वीर आप ठीक लाइव हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर इसी तरह अलग अलग यहाँ पर तस्वीरों को माँ के नौ रूपों को दर्शाया गया है। बजरंगबली जी की भी यहाँ पर फोटो दिखाई गई है। और हम आपको बता दें तो सजावट की अगर हम बात करें तो जैसे नई दुल्हन की तरह सजावट माँ वैष्णो देवी के दरबार में आपको देखने को लिए मिलेगी। कतारें की अगर बात करें, कतारें भी काफ़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आए हैं वो काफी लंबी कतारें। भैया कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। कब से खड़े हो लाइन? एक घंटा हो गया। एक घंटे से। तो कितना सौभाग्य मानते हैं कि पहले नवरात्रे में माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए पहुंचे? क्या लगाए कर्मों में दिल्ली के लोगों को आएंगे और भी आएंगे, अभी दिल्ली के लोगों को भी दर्शन करेंगे। कहाँ से आए भैया? जोधपुर जिला। जोधपुर जिला। कितना भाग्यशाली मानते हैं कि आज पहले नवरात्रे पे दर्शन कर रहे हैं? मानते हैं बहुत। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दरबार में माथे पे पट्टियाँ बांध कर जय माता दी पट्टी पे लिख कर उसके बाद यहाँ पर आगे दर्शनों के लिए बढ़ते हुए। हम आपको बताते हैं काफ़ी लंबी कतार है यहाँ पर, जो यहाँ से जो कतार है काफ़ी लंबी कतार है। और हम आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो वैष्णो देवी का दरबार है वो यहाँ से सजाया गया है रंग बिरंगे फूलों के साथ, जो माता रानी का दरबार है यहाँ पर सजाया गया है। और अगर हम बात करें तो सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, कि ताकि आने वाले यात्री आने जाने वाले यात्रियों को कोई किसी गंदगी का किसी कचरे का कोई यहाँ पर ना सामना करना पड़े। अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर, भैया कहाँ से आए आप? सर मैं MP से हूँ, टीकमगढ़ जिला से। दर्शन हो गए? हाँ जी। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत दिल से मानता हूँ सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सर मैं तो बहुत दिल से। कहाँ से आए? मैं झारखंड से आया हूँ। हाँ दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत झारखंड के लोगों को पहले नवरात्रे में कितना भाग्यशाली मानते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत क्लीन, बहुत अच्छा, बहुत ही परफेक्ट दर्शन हुआ एकदम। सुविधाओं को लेकर जगह RFID कार्ड है तो इसके लिए क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा सिस्टम है और बहुत ही अच्छा, बहुत 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 बढ़िया, एकदम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि सब आए माँ के दर्शन करें। जय माँ। और ये लाइव तस्वीरें आपको माँ वैष्णो देवी के दरबार से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सजावट यहाँ पर की गई है, जैसे कि आप सब यात्रियों का सब श्रद्धालुओं का यहाँ पर मन मोह लेगी सजावट। कहाँ से आए हैं भाई भैया आप? सर मैं UP आजमगढ़ से आया हूँ। पहली बार आया हूँ। पहले नवरात्रि में दर्शन करने का मौका मिले, कितना सौभाग्य? बहुत सौभाग्य की बात है। अगर माता रानी ने हमें पहले दिन बुलाया है और हम इसको अपने जन्म का पहला दिन मानते हैं कि हमारा सौभाग्य आज उदय हुआ है।
नवरात्र में पहले दिन बुलाए हैं। तो आप भी नौ नवरात्रों में कभी ना कभी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए और यहाँ पर आकर सजावट देखें जो सजावट हो रखी है, और यहाँ पर आके माता रानी के दरबार में आके सच्चे मन से जो माता रानी के दरबार में आके नमन करता है, माता रानी उसकी झोलियाँ भरती है और एक आशीर्वाद प्राप्त यहाँ पर माता रानी करती है। और आप भी सच्चे दिल से माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए, नवरात्रों में आए, क्योंकि नवरात्रों में माता रानी की असीम कृपा बनी रहती है, और नवरात्रों पे जरूर माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ। जेके मीडिया कटरा से।